हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों आज मैं जा रहा हूँ बरेली। बरेली शहर किसी के तारीफ का मोहताज नहीं है। बरेली शहर का आपने नाम तो सुना ही होगा। ऐसे ही एक यूट्यूबर हैं, मशहूर यूट्यूबर हैं, वो भी उनसे रूबरू कराएंगे। उन्होंने चैनल का कब स्टार्टअप किया है और इससे पहले क्या करते थे, तो आइए उनसे मिलाते हैं आपको किसान अली से। साथियों मैंने फाइनली सवारी बुक कर ली है और मैं जा रहा हूँ उनसे मिलने। तो अगर आप आए तो आप किसी से पता करके आए उनका एड्रेस क्या है। हालांकि मैं आपको इस वीडियो में एड्रेस बताऊंगा, वीडियो पूरी देखना, मिलाते हैं उनसे आपको। फाइनली मैं हाजियापुर पहुँच चुका हूँ। तो साथियों एक भैया जी मिले हैं, उनसे मैंने पूछा है एड्रेस और ये मुझे ले जा रहे हैं उनके ऑफिस पर, तो उनसे मिलते हैं। कितनी दूर हैं आप? थोड़ी दूर पे, इधर पीछे। अच्छा, तो साथियों मिलते हैं उनसे, बात करेंगे, आपको मिलाएंगे। तो साथियों फाइनली मैं उनके ऑफिस पर पहुंच चुका हूं। तो ये उनका ऑफिस है, ये भाई का ऑफिस है और भाई के सब चाहने वाले बैठे हुए हैं। तो साथियों फाइनली मैं किसान भाई के ऑफिस से पहुंच चुका हूं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और खैरियत से सर? तो किसान भाई आपने चैनल का स्टार्टअप कब किया था? 2016 में। अच्छा, तो आप इससे पहले किसान भाई क्या करते थे? ट्यूशन पढ़ाता था बच्चों को, टीचिंग करता था। अच्छा, तो क्या ख्याल आया कि मतलब चैनल का स्टार्टअप किया जाए, काम करा जाए? ये कोई ख्याल नहीं था, मैंने शुरू से ही सोचा था कि एक्टर बनना है, तो फिर बस काम किया है। अच्छा, तो चलिए आपने मुझे समय दिया और ऊपर वाला करे आप बहुत आगे तक जाएं, आपकी हर दिली तमन्ना पूरी हो। और चैनल के बारे में, भाई का चैनल है, इसको देखें, ब्लॉगिंग कर रहे हैं भाई, भाई को सपोर्ट करें। अगर वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक करें, शेयर करें और खूब सपोर्ट करें भाई को। ठीक है, शुक्रिया। तो साथियों आइए थोड़ी एजाज भाई से मुलाकात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम भाई, हाँ खैरियत से हैं? जी मैं बढ़िया हूँ, आप बताओ कैसे हो? बस अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का शुक्र है। तो एजाज भाई बताइए, आपने चैनल का स्टार्टअप कब किया और कब शुरुआत की? चैनल का स्टार्टअप मैंने नवंबर में किया, शादी के बाद। शादी मेरी 30 अक्टूबर की थी जी। उसके बाद मैंने स्टार्टअप किया, उससे 4 महीने पहले मैं ऐशान के साथ काम कर रहा था। हाँ। अच्छा। तो हाँ, भाई की सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिली जिससे चैनल बहुत तेज़ी से ग्रो करा और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ कर गया मेरा चैनल। अच्छा, तो एजाज भाई इससे पहले क्या करते थे हम? इससे पहले इंजीनियर था मैं जी, कंपनी में डिक्सन B45 जो कि LED बल्ब का मैन्युफैक्चरिंग करती थी, वहाँ पर जॉब करता था। कौन सी साल में बनाया था चैनल एजाज भाई? 2022 लास्ट। अच्छा, चलिए आपने मुझे वक्त दिया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। और मेरी ऊपर वाले से यही दुआ, आप बहुत आगे तक जाएं और आपकी जो भी दिली इच्छा है वो पूरी करें। आमीन सुमा आमीन। ये भाई का चैनल है, इस चैनल पर जाएं, विजिट करें चैनल को, ब्लॉग बनाते हैं भाई और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू। तो साथियों फाइनली मैं चचा के पास पहुंच चुका हूं। आपने देखा ही होगा, किसान भाई के साथ ये काम करते हैं और ससुर का रोल अदा करते हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबको अस्सलाम वालेकुम। और ठीक है, अल्लाह का शुक्रिया आपने। तो आपने चचा चैनल का स्टार्टअप कब किया, इससे पहले आप क्या करते थे, आप उन्होंने आपसे कहा काम के लिए? देखिए मैं कबाड़े का काम करता था। अच्छा। और आज मैं कबाड़े का काम करता हूँ, मेरा तो ये शुरू से ये रहा। अच्छा। मैं बैठा हुआ देखता रह गया था, ऐसा नानी वीडियो बनाते थे मैं देखता था। अच्छा। उन्होंने कहा कि क्या देखते हो? यार देखते हो, मैं भी वीडियो में काम करूँ तो वीडियो में काम करूँ। कितना समय हो गया आप कुछ काम करते हुए इस चैनल में, ईशान भाई के चैनल पे? 3 साल हो गए। 3 साल। चलिए चचा आपने मुझे वक्त दिया और उसके लिए बहुत शुक्रिया। और मेरे ऊपर वाले से दुआएं, आप और आगे तक जाएं, आपको और कामयाबी मिले। बहुत शुक्रिया। यो आपने किसान भाई के चैनल पर एक छोटी सी बच्ची को काम करते हुए देखा होगा। अस्सलामुअलैकुम। तो साथियों यही है वो बच्ची, आइए इससे पूछते हैं। तो बेटी आपका क्या नाम है? सानिया अलबी। सानिया अलबी, आप किसान भाई के चैनल पे काम करती हैं? जी। कितने दिनों से काम करती हैं? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। किसान भाई आपको पैसे देते हैं? हाँ हाँ। अच्छा, तो आपसे उन्होंने कहा था चैनल पे काम करने के लिए, आप गई थी उनके कि अंकल मैं भी काम करूँगी? उन्होंने कहा था। उन्होंने कहा था। तो सानिया अलवी मेरे भी चैनल के बारे में कुछ बोल दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और ये चचा का घर है, हाल ही में अभी बना है और
आप देख सकते हैं काम भी चल रहा है।